गुरुदेव, जिस प्रकार से हम आपके समीप बैठकर कुछ सीखते हैं, हम लोगों की कामना है कि आप आगे हम लोगों का मान प्रशस्त करते रहें। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी भी ये कर्तव्य बोध है कि हम आगे आने वाली संतति को भी कुछ सिखाते रहे। इस कड़ी में बड़ी विडंबना तब होती है जब हमारे स्थापित जो हमारे सनातनी परंपरा के या जो शास्त्र के उनके बीच से कुछ बातें आती हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है विद्या दाति विनयम, या हमारे जो भी सनातन धर्म के जो भी अवयव हैं उस सबके जो भी नजदीक आता है तो उसमें व्यामो निंदा और तमाम चीजें दूर होती जाती है। लेकिन हमारे इस समय जो हमारे भारतीय पटल पर या वैश्विक धरातल पर भी ढेर सारे ऐसे स्थापित जिनके बारे में विद्वता के बारे में बेजोड़ बातें भी कही जाती हैं, उनके द्वारा भी इस प्रकार के कथन होते हैं, तो आगे आने वाली संतत जो कि ये मान के चल रही है कि विज्ञान आओ करके देखें, वो तुरंत उत्तर देती है, कहती देखिए ऐसी बात है, लेकिन देखिए ये महापुरुष भी इतना दम्भ भरा हुआ है, इतना इनकी में ईर्ष्या बढ़ी हुई है। अभी एक जो है नाम लेना अनुचित होगा, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया है कि कोई भी शंकराचार्य हमारे सम्मुख 5 मिनट संस्कृत वाचन नहीं कर सकते। वो व्यक्ति जो है जो ये बात कहा, तो एक बालक जो है इस बात पर कहा कि इतने महान पुरुष होकर भी इस प्रकार का दम्भ है तो हम कैसे उदाहरण दें, आने वाली संतति को हम कैसे सिखाएं। बैठ जो बैठ मोदी योगी की दास्ता ही उनके ज्ञान पर पानी फेरने का है। ऐसे व्यक्तियों मोदी योगी की दास्ता ही अशोक सिंघल ने ऐसे व्यक्ति को उठाया था, समझ गए ना, किसके द्वारा उठाया गए वो भी मुझे मालूम। अशोक सिंघल को कोई यंत्र चाहिए था, अशोक सिंघल के खड़े किए हुए मोदी योगी के सामने तो उनकी दास्ता रहती है। अभी जो अयोध्या में हुआ, ऐसे व्यक्तियों में किसी को बोलने भी दिया गया क्या? और कितने फीट 40 फीट नीचे इन लोगों को बैठाया गया, उस समय कहा ज्ञान विज्ञान चला गया, छत्र कहाँ गया, चमर कहाँ गया। एक विचित्र बात है, सदगृहस्थ होते हैं वल्लभाचार्य, हमारे एक जगह कहीं की बात है, हम तो सोने चांदी के आसन पर नहीं बैठते, बड़ौदा की बात है, अपने स्वयं चांदी के आसन पर बैठे, अपने बेटे को पोते को एक साथ 3 आचार्य हो गए, हम जैसे बैठे वैसे। लेकिन वही महान भाव जब अयोध्या में गए कहाँ बैठे थे, समझ गए ना? तो पोल पट्टी तो मोदी जी के सामने खुल जाती है लोगों की। ब्रह्मा जी तो बहुत ऊंचे होते हैं, शंकराचार्य बहुत ऊंचे होते हैं। किसी का नाम भी लिया गया क्या? बोला, बोलने की तो बात छोड़ दीजिए, आगे बड़ा होता है। एक गुरु जी, मतलब मैं भी बड़ा ये अजीब से ये लगे, बट मुझे इसका डाउट होता है कि कहते हैं कि इंसान मनुष्य जो है वो सर्वोच्च मतलब मोस्ट इंटेलेक्चुअल मतलब पिनकल ऑफ एवोल्यूशन है, मतलब तो कली काल में इतना पाप हो रहा है इंसान का, मतलब कैसे इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि मतलब इतना पाप हो रहा है, और क्योंकि मतलब बहुत पुण्य कर्मों के बाद ही इंसान का जन्म मिलता है, तो पॉपुलेशन कैसे इतना बढ़े ही जा रहा है। घटा दीजिए, शिव जी बन जाइए। अभी जो पाप करते हैं उसका फल आगे मिलेगा, जिन्होंने पुण्य किया उसके फल स्वरूप उनको मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई। मनुष्य शरीर कर्मायतन भोगायतन ज्ञानायतन है, इसका जो दुरुपयोग करते हैं, देखिए अभी उर्वर भूमि में ऋतुकाल में जो बीज बोया गया तत्काल फल थोड़ा देगा क्या? पानी पीते हैं तत्काल फल मिल जाता है, भोजन करते हैं तत्काल फल मिलता है, लेकिन उर्वर भूमि में ऋतुकाल में भी जो बीज बोलते हैं तत्काल थोड़े अंकुरित हो जाए या फल फूल को दे दे। इसलिए इस समय जो मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं,
कालांतर में उनका फल, दुर्पयोग का फल, पाप का फल मिलेगा। पुण्य के फलस्वरूप मानव जीवन प्राप्त हुआ, मानव जीवन का उपयोग और विनियोग सबके हित में अपने हित में करना चाहिए। सनातन धर्म की विधा से जीवन यापन करने पर अपना हित होता है, सबके हित का मार्ग प्रशस्त होता है, यही सनातन धर्म की विशेषता है। आगे जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें क्या सिर्फ हिंदू होंगे, दूसरे धर्म वाले नहीं होंगे, कहाँ जाएंगे? आप कौन है? हिंदू है? बैठ। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे या नहीं? क्या मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक, हिरण्यगर्भ संज्ञक ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुषों के रूप में व्यक्त किया। श्रीमद भागवत आदि महापुराणों का अनुशीलन करने पर यह तथ्य डंके की चोट से उद्घोषित होता है कि कश्यप, मरीचि इत्यादि की धर्मपत्नियों के गर्भ से तरुलता, भूलम इत्यादि स्थावर प्राणियों की भी उत्पत्ति हुई। स्वप्नावस्था में इंद्रियां सो जाती हैं, मन अर्ध निद्रित हो जाता है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्ध निद्रित मन क्या करता है? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की रचना करने में समर्थ होता है। स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में स्वयं को उद्भासित करने में समर्थ होता है। तेजस और हिरण्यगर्भ की एक रूपता है। जब स्वप्नावस्था में हम आप भी पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों की रचना में समर्थ हो जाते हैं, स्वप्नावस्था की सिद्धि को धारणा की प्रगल्भता से जागृत में उतारने में समर्थ हो सकते हैं। इदम ज्ञान उपासित मम साधन आगता। आगे कहाँ का था वो गणितज्ञ? कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के गणितज्ञ हमारे पास आए। उन्होंने कई होटल में ठहरे पुरी में। उन्होंने कहा कि पहले से हम प्रश्न नहीं बताएंगे, एन मौके पर प्रश्न करेंगे, उत्तर देना होगा शंकराचार्य जी को। उसके बाद उनकी टिप्पणी थी, विश्व में 1% विज्ञान है, यहाँ पर 100% विज्ञान, उनकी टिप्पणी। लेकिन हमको कोई चिंता नहीं है, अगर किसी माली की दृष्टि भी सुगंधित पुष्प पर न जाए तो भी भगवान की शक्ति, प्रकृति की दूती हवा उसके सुगंध को चारों ओर बिखेर देती है। क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का अनुगमन नहीं करता, इसलिए प्रधानमंत्री आदि सबको मालूम है कि हम लोगों के पास गणित आदि का इतना बड़ा ज्ञान है, लेकिन हम इसलिए उपेक्षित होते हैं क्योंकि हम उनके अनुगामी नहीं होते। अब वो जुगनों का अनुगामी सूर्य बने कैसे बनेगा, वो भी नहीं सकते।